बाइक और पिकअप वैन में हुई टक्कर में बाइक सवार युवक हुआ घायल, इलाज के दौरान मौत। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के बोरा मोड़ के समीप बाइक और पिकअप वैन में हुई सीधी टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से गया के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। इसी दौरान रांची ले जाने के क्रम में युवक की मौत हो गई। घटना में मृतक युवक हंटरगंज थाना क्षेत्र निवासी चंदन कुमार तमौली के रूप में की गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया गया कि युवक अपने निजी कार्य के लिए थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव गया हुआ था, जहां से लौटने के क्रम में बोरा मोड़ क्रशर के समीप पिकअप वैन के साथ उसकी टक्कर हो गई। गाँव का रहने में रिश्ता भाई लगते हैं। इसी दौरान में गया था तुलसीपुर कुछ काम के वजह से, उधर दौरान में ये आराम से गाड़ी चला रहा था, उधर से पिकअप वैन आया, जोरदार टक्कर मारने का वहीं पे गिर गया। इसी दौरान में तुरंत गया घंघरी इलाज करने के, वहाँ से रेफर गया गया गैप से रेफर हुआ तो रांची जाते हुए वहाँ फिर मौत हुई। चंदन कुमार तो मोदी राजेश कुमार साहु मेरा नाम हुआ। ये चंदन कुमार तमोली है, शहर तुलसीपुर गए थे और थोड़ा काम के कार्यक्रम के कोई मैटर में, उसी दौरान मैं उधर से लौटा क्रेशर मोड़ के पास में पिकअप वैन स्पीड की रफ्तार में आए और टक्कर मारा, इसे वहीं पे ये गिर गया। इसी दौरान मैं गया हुआ था, इलाज के दौरान वहाँ रेफर कर दिया, उसी दौरान मैं रांची गया, रांची के वहीं पर मृत्यु हो गई। तो चंदन कुमार तमोली। आपका नाम क्या? राजेश कुमार साहु। आप इनके क्या लगते हैं? रिश्ता हम भाई लगते हैं, गांव का हमें एक्सीडेंट हुआ है सर, मोटरसाइकिल में मारते हैं पिकअप। ये बताइए। नाम राजू साहब तमोली है और मैं बोरा मोड़ के रहने वाला हूं, और एक पिकअप से मोटरसाइकिल के से धक्का लगने से एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। क्या नाम? चंदन कुमार। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जी आ रहा था तो तुलसीपुर से आ रहा था और घर आ रहा था, इसी के बीच में क्रेशर के क्रेशर मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ। आप इनके क्या लगते हैं? हम चचा लगते हैं।